Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about various pigments which are involved in photosynthesis. यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं. आज हम मेजर पिगमेंट्स पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से पहला है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी एंड सो ऑन. स्पेशल टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी एंड सो ऑन बोलते हैं. नाउ लेट अस सी अबाउट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का जो कलर होता है इट इज ब्लू ग्रीनिश इन कलर एंड दिस इज अ मेजर पिगमेंट जो रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है. रिएक्शन सेंटर का मतलब है आपका फोटो सिस्टम एंड फोटो सिस्टम टू. इसको अभी हम फर्दर अच्छे से डील करेंगे आने वाली स्लाइड्स में. क्लोरोफिल ए का मेन काम होता है ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सो दैट इट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट इज जो आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है इट इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मीन इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट. हर प्लांट में क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा ही होगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल, इट इज गिवन बिफोर यू दैट इज C55S72O5N4Mg. Now, if we see the structure of this chlorophyll A molecule, it is made up of two parts. One is known as porphyrin head. One is porphyrin head and second part is phytol tail. We will see this structure right now. So, porphyrin head and phytol tail, ये दोनों मिलकर आपके एक chlorophyll के structure को बनाती हैं. Now, let us see the structure of chlorophyll A. Basically, जो chlorophyll A है, उसमें आपके center में magnesium आयन प्रेजेंट होता है. इट इज अटैच विथ 4 नाइट्रोजन एंड दीज नाइट्रोजन आर फर्दर अटैच बाय अ पायरोल रिंग. ये चारों के चारों नाइट्रोजन एक पायरोल रिंग से अटैच होती हैं. दिस ब्लैक कलर रिंग दैट आई एम मेकिंग दीज आर पायरोल रिंग. इनको हम लेबल करते हैं इन एन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज पायरोल रिंग नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. यहाँ पे जो थर्ड नंबर की पायरोल रिंग है वो एक और रिंग से कनेक्ट होती है एंड दिस रिंग इज नोन एज रिंग नंबर 5 एंड दिस रिंग इज नोन एज साइक्लोपेंटेन रिंग. साइक्लोपेंटेन रिंग एंड दिस ब्लैक रिंग दैट यू आर सीइंग व्हिच इज हैविंग अ नंबर 1, 2, 3, 4 रिटन इन रोमन, दीज आर नोन एज योर पायरोल रिंग. दिस होल स्ट्रक्चर जिसमें आपका पायरोल रिंग है, मैग्नीशियम आयन है इन द सेंटर एंड दिस साइक्लोपेंटेन रिंग है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली कहलाता है पॉरफायरन हेड और वी कैन से इट एज टेट्रा पायरोल हेड. टेट्रा फॉर 4 एंड पायरोल इज फॉर पायरोल रिंग. टेट्रा पायरोलिक रिंग. नाउ सी दिस पायरोल रिंग नंबर 4 इज अटैच बाय द लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बहुत लॉन्ग चेन होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 कार्बन यहाँ पे अटैच होते हैं एंड दिस चेन ऑफ 20 कार्बन इज नोन एज फाइटोल टेल. सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, दो पार्ट से मिलकर बना होता है. वन इज पॉरफायरन हेड जिसको हम टेट्रा पायरोलिक रिंग भी बोलते हैं एंड सेकेंड इज फाइटोल टेल. फाइटोल टेल क्या है, 20 कार्बन की लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है एंड आपका जो पॉरफायरन हेड है इसमें आपका मैग्नीशियम आयन होता है सेंटर में विच इज अटैच टू 4 नाइट्रोजन. दे आर फर्दर अटैच टू 4 पायरोल रिंग दैट इज 1, 2, 3, 4. पायरोल नंबर 3 इज अटैच बाय वन मोर साइक्लिक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज साइक्लोपेंटेन रिंग. तो आपका मैग्नीशियम पायरोल रिंग और ये साइक्लोपेंटेन है, ये कंप्लीट मिलके आपका क्या कहलाता है, हेड ऑफ द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिसको हम पॉरफायरन हेड बोलते हैं. सो वी कैन कंक्लूड कि जो आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और जो क्लोरोफिल है उसमें बेसिकली वी कैन इफ यू राइट इट एज क्लोरोफिल इट वुड बी बेटर. जो आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं. वन इज नोन एज पॉरफायरन हेड and second is known as phytol tail. Now, see,
ये जो पायरोल रिंग है इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर की ये जो फाइटोल टेल है उसके बेसिस पे आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स डिफर करते हैं. इट मे बी क्लोरोफिल ए बी सी एंड सो ऑन. नाउ लेट अस सी वन मेजर डिफरेंस. ये जो पायरोल रिंग नंबर सेकेंड है दिस वन, इसमें इसमें यहाँ पे अगर आर ग्रुप है, अगर ये आर ग्रुप आपका मिथाइल है दैट इज CH3 है अगर ये आर ग्रुप, तो वो आपका क्लोरोफिल ए कहलाएगा. तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगा पूरा दैट इज ऑफ क्लोरोफिल ए. अगर ये आर मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो ये कहलाएगा आपका क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में ओनली डिफरेंस इज दिस कि जो पायरोल रिंग सेकेंड है वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है क्लोरोफिल ए में, एंड दैट मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय एल्डिहाइड ग्रुप इन क्लोरोफिल बी. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम इन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल. सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. नाउ लेट अस सी अबाउट द क्लोरोफिल बी. द मेजर कलर ऑफ क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, एंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C55 S70 O6 N4 Mg. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम इन द सेंटर यू हैव मैग्नीशियम विच इज अटैच टू 4 नाइट्रोजन. दे आर फर्दर अटैच टू 4 पायरोल रिंग. दिस इज पायरोल रिंग नंबर 1, 2, 3, 4. थर्ड वन इज अटैच विथ साइक्लोपेंटेन रिंग एज यू कैन सी. एंड सी हेयर इन द सेकेंड वन यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है सेकेंड पायरोल रिंग में, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल. एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर हेयर इज दैट ईच पायरोल रिंग इज अटैच विथ इट्स नेबरिंग पायरोल बाय अ कार्बन एंड हाइड्रोजन. सी नेक्स्ट इज कैरोटीनॉइड्स. दीज आर बेसिकली द लिपिड डेरिवेटिव्स and these are a group of accessory pigment. Accessory pigments mean they are helping pigments. इनका जो color का range होता है it is from yellow to yellow orange and it is divided into two part that is carotene and xanthophyll. Carotene का जो chemical formula है that is C40H56 and xanthophyll का formula है C40H56O2. Carotene के examples is beta carotene. Its color is orange red. जेंथोफिल के एग्जाम्पल है ल्यूटीन फ्यूकोजेंथिन एंड इट्स कलर इज येलो. नाउ ये बेसिकली आपके कहाँ मिलेंगे, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो ऑरेंज और रेडिश कलर के होते हैं वहां पे आपके कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं. नाउ द थर्ड पिगमेंट इज फाइकोबिलिन्स. दीज आर द एक्सेप्शनल केस बिकॉज दीज आर वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट एंड दे हैव ओपन टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर. जबकि क्लोरोफिल में आप देखोगे कि जो स्ट्रक्चर है वो एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है रिंग का, यहाँ पे टेट्रा पायरोल के जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड फाइकोबिलिन्स बेसिकली आपके रेड एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप, फाइको साइनोबिलिन, फाइको इराइथ्रोबिलिन, फाइको यूरोबिलिन एंड फाइको वायोलोबिलिन. फाइको साइनोबिलिन आर ब्लू इन कलर, फाइको इराइथ्रोबिन आर रेड इन कलर एंड फाइको यूरोबिलिन आर ऑरेंज इन कलर. नाउ वन मोर थिंग टू नोट अबाउट फाइकोबिलिन इज दैट अगर हम फाइकोबिलिन का स्ट्रक्चर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो जैसे भी हमने क्लोरोफिल में देखा था कि सेंटर में मैग्नीशियम होता है राइट, यहाँ पे कोई मैग्नीशियम एटम नहीं प्रेजेंट होता है. सेकेंड थिंग, हमने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में फाइटोल टेल पढ़ा था, यहाँ पे फाइटोल टेल एबसेंट होती है. तो दिस इज एन एक्सेप्शनल केस कि फाइकोबिलिन्स एंड क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है. फाइकोबिलिन्स पहला वाटर सॉल्यूबल होते हैं, इनकी जो चेन होती है ओपन टेट्रा पायरोल होता है एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता, ना ही यहाँ पे फाइटोल टेल प्रेजेंट होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइकोबिलिन. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. ये कुछ नहीं होते, दीज आर अ ग्रुप ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और इन ग्रुप्स के सेंटर में एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है, मीन सारी की सारी एनर्जी को वो हार्वेस्ट करता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे देखो आपको ग्रीन कलर के बहुत सारे एसेसरी प्रोटीन्स दिख रहे हैं. सेंटर में यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है, लेट अस कंसिडर दिस इज क्लोरोफिल ए. तो ये जो बाकी जितने भी ग्रीन कलर के एसेसरी पिगमेंट्स और हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली द प्रोटीन जो डिफरेंट लाइट एनर्जी को कंज्यूम करके रेजोनेंट इफेक्ट से इसके सेंटर वाले पार्ट में भेजेंगे. लाइक अगर सेंटर में क्लोरोफिल है तो सबके सब थोड़ी थोड़ी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वहां रेजोनेंस इफेक्ट से सेंटर रिएक्शन सेंटर है वहां पे भेजेंगे. तो जब रिएक्शन सेंटर में सफिशियंट अमाउंट
कि जो लाइट एक्यूमुलेट होगी या कलेक्ट होगी तब वहां से उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. लाइक यू मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री कि जैसे कोई एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर हमने उसके शेल से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है हाई एनर्जी लेवल में तो हमें लिमिट मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो वेरी करती है वन एटम टू अनदर. ठीक है, हर एटम्स के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए होती है जो उसके आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल वाले शेल में एक्साइट कर दे. तो सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, जब ये रिएक्शन सेंटर को सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे टू अ हाई एनर्जी लेवल. यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन एंड क्लोरोफिल का, ये आपके थैलाकॉइड में एम्बेडेड मिलता है एंड दीज आर मेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं. लाइट हार्वेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, लाइट के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, साइड में जितने भी हेल्पिंग प्रोटीन है थोड़ी थोड़ी लाइट ले लेके कंसेंट्रेट करा रहे हैं कहाँ पे, सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स में. नाउ सी हेयर इट इज रिटन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना कॉम्प्लेक्स दैट इज LHC इज अ एरे ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया विच ट्रांसफर लाइट एनर्जी टू वन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट द रिएक्शन सेंटर ऑफ अ फोटो सिस्टम. अब यहाँ पर मेजरली जो सेंटर में जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज क्लोरोफिल ए. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन सेंटर होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का दैट इज क्लोरोफिल ए. ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग नाम से पता चल रहा है, लाइट को हार्वेस्ट करने वाला, लाइट को कलेक्ट करने का ये सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो रिएक्शन सेंटर होता है और साइड में एसेसरी हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स हेड में पिगमेंट्स होते हैं. और ये बना किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स एंड क्लोरोफिल. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड ऑफ द प्लांट्स. डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन सेंटर कि रिएक्शन सेंटर पे कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कौन सी वेवलेंथ की लाइट से एक्साइट हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन देम हम यहाँ पे इनको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू. फोटो सिस्टम वन का जो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल होगा वो आपकी 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. वेयर फोटो सिस्टम टू में जो रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.